कानपुर देहात जिले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई दिनों से फरार चल रहा एक इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, तो वहीं पुलिस की गिरफ्त में आए इनामी अपराधी पर कानपुर देहात जिले के कई थानों में संगीन धाराओं में मामला दर्ज है। ये थाना राजपुर क्षेत्र में एक गैंगस्टर का अभियोग पंजीकृत था। थाना अध्यक्ष राजपुर के द्वारा इस पे 25,000 का इनाम घोषित कराया गया था। इस संबंध में पिछले एक साल से इसकी तलाश थी। ये अंकुल दोहरे नाम का अभियुक्त जो इटावा जनपद का रहने वाला है, ये चोरी प्राय चोरी करता था और इस चोरी के मामले में गैंगस्टर एक्ट लगाया गया था। गैंगस्टर में एक साल से फरार था, इसको गिरफ्तार किया गया है और नियमानुसार इसको जेल भेजा जा रहा है। जनपद में चोरी करता। ये पहले 2020 का मामला है, उस संबंध में चोरों का गिरोह था, उसमें गिरोह में अन्य अभियुक्त पहले जेल जा चुके थे। ये वांछित चल रहा था, इसको जो है कल शाम को थाना अध्यक्ष राजपुर द्वारा गिरफ्तार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।